चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं तो ये क्वेश्चन पूछा था गेट 2011 में और जिसकी मार्किंग है टू मार्क्स तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन एट के बी डायरेक्ट मैप राइट बैक कैश इज ऑर्गेनाइज एज मल्टीपल ब्लॉक्स तो क्वेश्चन को देख के मैं समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट मैपिंग पर बेस्ड क्वेश्चन है ओके ईच ऑफ साइज थर्टी टू द प्रोसेसर जनरेट थर्टी टू बिट एड्रेसेस देन कैश कंट्रोलर मेंटेन्स द टैग इंफॉर्मेशन फॉर इच कैश ब्लॉक कंपेराइजिंग ऑफ द फॉलोइंग ठीक है और फॉलोइंग में क्या क्या है वन वैलिड बिट वन मॉडिफाइड बिट एज मेनी बिट्स एज मिनिमम नीडेड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी ब्लॉक मैप्ड इन द कैश देन वॉट इज द टोटल साइज ऑफ मेमोरी नीडेड एट द कैश कंट्रोलर टू स्टोर मेटा डेटा टैक्स फॉर द कैश मीन्स यहां पर मेटा डेटा यहां पर टैग डायरेक्टरी साइज की बात की जा रही है तो मुझे यहां पर टैग डायरेक्टरी साइज फाइंड आउट करना है ओके डायरेक्ट मैपिंग पर बेस्ट क्वेश्चन है तो चलिए मैं इसके लिए ब्लॉक बना लेता हूं सबसे पहले मेमोरी ब्लॉक को मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं और ये हमें पता है फर्स्ट इज टैग सेकेंड इज लाइन नंबर एंड थर्ड इज ब्लॉक ऑफसेट ओके तो सबसे पहले द प्रोसेसर जनरेट थर्टी टू बिट एड्रेस तो ये ओवरऑल थर्टी टू बिट यहां से लेकर यहां पर आ गया देन राइट बैक कैश इज ऑर्गेज मल्टीपल ब्लॉक इच ऑफ साइज थर्टी टू बाइट्स तो यहां पर जो ब्लॉक ऑपसेट की साइज है वो है थर्टी टू बाइट्स तो थर्टी टू बाइट को अगर मैं ब्लॉक ऑपसेट में कन्वर्ट करूँ तो कितने नंबर ऑफ बिट्स आएंगे टू की पावर फाइव दैट इज थर्टी टू बाइट तो यहां पर जो ब्लॉक ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा फाइव बिट्स का देन लाइन नंबर लाइन नंबर मुझे कैलकुलेट करना है तो लाइन नंबर के लिए फॉर्मूला होता है जैसा कि हम जानते हैं लाइन नंबर डायरेट इज इक्वल टू कैश साइज अपॉन ब्लॉक साइज और कैश साइज क्या है क्वेश्चन में एट के वी डायरेक्ट मैप राइट बैक कैश तो एट केवी को हम लिख सकते हैं टू की पावर थ्री और मल्टीप्लाई बाई टू की पावर टेन अपॉन ब्लॉक साइज कितना है ब्लॉक साइज भी हमारा 32 टू बाइट्स है ओके okay? तो यहां पर 32 टू बाइट्स डेट मीन्स टू की पावर फाइव ओके देन इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा टू की पावर थ्री एंड टू की पावर टेन डेट इज टू की पावर थर्टीन अपॉन टू की पावर ये आ जाएगा टू की पावर फाइव यहां से हमें मिल जाएगा टू की पावर एट ट मीन्स जो हमारा लाइन नंबर होगा वो एट बिट्स का लाइन नंबर आ जाएगा ठीक है अब मुझे कैलकुलेट करना है टैग तो टैग हम इजी कैलकुलेट कर सकते हैं टैग uh, कितना हो जाएगा थर्टी टू माइनस एट प्लस फाइव तो ये आ जाएगा थर्टी टू माइनस एट प्लस फाइव इज थर्टीन एंड थर्टी टू माइनस थर्टीन इज नाइनटीन बिट्स तो नाइनटीन बिट्स का आ गया टैग ओके देन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द टोटल साइज ऑफ मेमोरी नीडेड एट द कैश कंट्रोलर टू स्टोर मेटा डेटा टैक्स फॉर द कैश तो यहां पर हमें टैग डायरेक्टरी साइज कैलकुलेट करना है और टैग डायरेक्टरी साइज जो हम कैलकुलेट करते हैं उसमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी क्योंकि टैग तो हमें पता है टैग हमारा आ गया 19 बिट्स तो 19 बिट्स का तो हमें टैग मिल गया प्लस अब मैंने यहाँ पे प्लस क्यों किया क्योंकि क्वेश्चन में कुछ और की था द कैश कंट्रोलर द टैग इन्फॉर्मेशन फॉर हिच कैश ब्लॉक कंपराइजिंग ऑफ द फॉलोइंग तो टैग के साथ साथ यहां बिट है एंड वर्ड मॉडिफाइड बिट है और इस लाइन का क्या मतलब है एज एज मेनी बिट्स द मिनिमम नीडेड टू आइडेंटिफाई द मेमोरी ब्लॉक मैप्ड इन द कैश मतलब इस लाइन का मतलब है कि हम टैग की ही बात कर रहे हैं दैट टैग तो हमें मिल गया नाइनटीन बिट्स का और प्लस वन वैलिड बिट दैट मीन प्लस वन एंड प्लस वन मॉडिफाइड बिट ये आ गया ठीक है लेकिन टैग डायरेक्टर साइज अभी कंप्लीट नहीं हुआ इसमें हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लाइन नंबर का लाइन नंबर का मल्टीप्लाई क्यों करते हैं क्योंकि भाई जब भी आप कैश ब्लॉक की बात करो ठीक है कैश ब्लॉक की बात करो तो हर एक लाइन के साथ यहां पर टैग क्या होता है अटैच होता है टैग अटैच होता है ठीक है तो नंबर ऑफ लाइन्स की बात हम उसके साथ ही करेंगे तो यहां पर नंबर ऑफ लाइन्स कितना था एट बट हम बात कर रहे हैं टू की पावर एट का क्योंकि एट तो हमारे बिट के फॉर्म में था और ये टू की पावर एट यहां पे आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाई टू की पावर एट इज टू फिफ्टी सिक्स अब इसको सॉल्व करने में जो आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर मैच होगा तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ट्वेंटी वन मल्टीप्लाई बाई टू फिफ्टी सिक्स सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी फाइव थ्री सेवन सिक्स ठीक है तो यहां पर यह आ जाएगा फाइव थ्री सेवन सिक्स नंबर ऑफ बेट्स ठीक है तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन अब ये पूछा था तो टू मार्क्स में तो काफी सिंपल क्वेश्चन है बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ा ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें टैग डायरेक्टरी साइज मालूम होना चाहिए क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं होता कि टू की पावर एट हम क्यों मल्टीप्लाई कर, कर रहे हैं भाई हर एक लाइन के अंदर हम हर एक लाइन के साथ हम टैग को अटैच कर रहे हैं यहाँ पर तो टैग डायरेक्टरी साइज और लाइन की ज नीड तो पड़ेगी वहाँ पर तो टू की पावर एट यहाँ पर जो लाइन नंबर था उसका हमने यूज़ कर दिया टू की पावर एट के साथ और जो वैलिड बेट मॉडिफाइड बेट जो भी टैग के साथ था उसको हमने यूज़ किया मल्टीप्लाई किया और फाइनल आंसर आ गया थैंक यू